एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल फिजियोलॉजी से। इसमें इसका एक डायग्राम भी आ जाता है। ये एक्शन पोटेंशियल का डायग्राम है। तो डायग्राम पे खाली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व, या फिर एक्शन पोटेंशियल पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है। और ये जो इसकी डिफरेंट फेजेज होती हैं, इन पर वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए एक्शन पोटेंशियल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ है? एक्शन पोटेंशियल, जैसे सपोज करिए कि एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे नॉर्मली चार्ज होता है बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ निगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब किसी मेम्ब्रेन पे, रेस्टिंग कंडीशन पे जो चार्ज है उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, जब कोई स्टिमुलस आता है तो ये जो मेम्ब्रेन है वो एक्साइट हो जाती है, मेम्ब्रेन बिकम एक्साइटेड, और उसके बाद ये जो चार्ज है ये चेंज हो जाता है अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर की तरफ निगेटिव। इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर द एक्साइटेशन इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। और इसमें परमियाबिलिटी चेंज हो रही है अंदर की तरफ माइनस से पॉजिटिव हो जा रही है, उसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ओके, तो एक्शन पोटेंशियल सारी सेल्स में जनरेट नहीं होता, ये एक्साइटेबल टिश्यूज में जनरेट होता है, जो टिश्यू एक्साइटेबल हो सकते हैं, स्पेशली न्यूरॉन और आपका मसल्स। मसल्स में भी आपको पढ़ना है स्केलेटल मसल का क्या होता है और आपकी कार्डियक मसल का क्या होता है, और एक तीसरा होता है आपका स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जैसे कि आपकी विसरा की मसल्स हैं, जीआईटी की मसल्स हैं, यूरिनरी ट्रैक की मसल्स हैं, तो ये जो सारी मसल्स हैं इनको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ओके, तो आपको न्यूरॉन का पढ़ना है, मसल्स का पढ़ना है, किसी भी इसके एक्शन पोटेंशियल पे क्वेश्चन आ सकता है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या फिर स्मूथ मसल का। ओके, इस वीडियो में हम पहले सारे जो ज़्यादातर सबकी जो फेजेज हैं ऑलमोस्ट सेम टाइप की होती हैं, बट कुछ उनमें डिफरेंसेस होते हैं। बट न्यूरॉन और स्केलेटल मसल, न्यूरॉन एंड स्केलेटल मसल, उनका एक्शन पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। बस थोड़ा सा उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस है और उनकी थोड़ी बहुत जो फेजेज होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट फेजेज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की होती है। तो ये हम पढ़ेंगे आज न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल। ये है हमारा न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल। अब सपोज करिए कोई एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में हमने एक जगह से स्टिमुलेट किया इसको, इसमें हमने इसको स्टिमुलेट किया इस पोर्शन को, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होगा। ओके, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड कर लिया किसी एक पोर्शन पे, इस नर्व के, न्यूरॉन के हमने इसको रिकॉर्ड किया। तो रिकॉर्ड करने में हमें इसमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ये जो ग्राफ आ रहा है इस तरीके का ग्राफ हमें इस रिकॉर्ड करने में मिलेगा। तो ये हम बोल रहे हैं स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड, जिससे हमने स्टिमुलेट किया, और ये है हमारा रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड जिससे हमने रिकॉर्ड किया। तो अगर न्यूरॉन को हम एक स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से स्टिमुलेट करते हैं और उससे कुछ दूरी पे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बाय द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड, तो हमें वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन मिलता है, और वो डिफ्लेक्शन आपका ये है एक्शन पोटेंशियल का कर्व होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल का कर्व है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे स्पेशली एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सोडियम की परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने बताया था कि रेस्टिंग कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन सोडियम के लिए बहुत ही कम परमिएबल होती है, लेकिन पोटेशियम के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, ऑलमोस्ट 50-100 टाइम्स परमिएबल होती है। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, मैकेनिकल स्टिमुलस हो, या किसी भी तरह का कोई स्टिमुलस हो, तो सोडियम की परमिएबिलिटी उस टाइम पे बढ़ने लगती है, और इसी वजह से ये एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली जैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, हमने स्टिमुलस दिया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि सोडियम की एंट्री बढ़नी शुरू हो जाती है। सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज आयन है, सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ी, सोडियम बाहर ज़्यादा होता है अंदर कम होता है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ आने लगता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर की तरफ परमेबिलिटी पॉजिटिव अपोजिट हो जाएगी, अंदर पॉजिटिविटी हो जाएगी, और इसी को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जैसे हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 mV, और स्केलेटल मसल में होता है हमारा
-90 mV। तो वहाँ पे हम जो न्यूरॉन है इसमें -70 से स्टार्ट करेंगे और इसमें -90 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका एक सिंपल सा जो आप ग्रॉस डायग्राम देख लीजिए कि जैसे सपोज करिए ये -70 mV है, यहाँ से एक हमारा हमने स्टिमुलेट किया तो हमारा शुरू हो रहा है, ये इस तरीके का ग्राफ होता है। मतलब मेन आप पहले इसकी दो फेजेस देखिए, -70 से +35 तक चला जाता है, -70 से +35 तक ये जाता है। इसमें दो फेज हैं, एक ऊपर जाने वाली एक नीचे आने वाली, ठीक है। इस फेज को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन का मतलब होता है, डी से इससे रिलेटेड है रिवर्स पोलराइजेशन, यानी माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इसको हमने बोला है डीपोलराइजेशन, और पॉजिटिव से वापस आ रहा है इसको हमने बोला है रीपोलराइजेशन। तो पहले आप ग्रॉस इसकी दो फेज याद रखिए कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, एक डीपोलराइजेशन होता है एक रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन जो है सोडियम परमेबिलिटी की वजह से होता है, जैसे सेल है इस सेल के अंदर सोडियम की एंट्री बढ़ने लगती है तो उसे कहते हैं हम सोडियम का इन्फ्लक्स होना। तो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से परमेबिलिटी बढ़ी है सोडियम की, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ यानी सोडियम अंदर गया तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऑब्वियसली -70 से इधर देखिए आप +35 हो गया, तो ये होता है बिकॉज ऑफ सोडियम इन्फ्लक्स, ओके। उसके बाद जब ये +35 पे पहुंच जाता है तो सोडियम की परमेबिलिटी घट जाती है और पोटेशियम की परमेबिलिटी फिर से बढ़ जाती है। तो लेकिन पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम होता है आता है बाहर बॉडी से, मतलब सेल से, सॉरी। तो पोटेशियम का क्या हो रहा है, इसे हम कहते हैं ई फ्लक्स, पोटेशियम का ई फ्लक्स हो रहा है जिससे फिर से पॉजिटिव जो है कम होने लगा अंदर की तरफ और वापस ये अंदर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसे हम कह रहे हैं रीपोलराइजेशन। ये क्यों होता है, ये होता है पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से। तो सबसे पहले आप इसमें दो पॉइंट याद रखिए, फेजेस तो और भी हैं लेकिन आपको पहले मैं इसका ग्रॉस बता रही हूँ, फिर हम इसको माइन्यूटली पढ़ेंगे कि एक फेज ऊपर जाने वाली है जिसको हम बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन, इसमें -70 से +35 तक जाएगा और ये जो ऊपर जाना नीचे जाना इसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल, एब्रप्ट इंक्रीज एंड एब्रप्ट वापस डिक्रीज उसको हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल। तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को मिला के हम बोलते हैं स्पाइक पोटेंशियल, ओके। तो ये हुआ डीपोलराइजेशन बिकॉज ऑफ सोडियम इन्फ्लक्स, सोडियम अंदर गया है सेल के तो ये ऊपर बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या होता है, पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है इसलिए अंदर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव अंदर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है आपका पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ रही है, पोटेशियम बाहर जा रहा है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। हम जो भी यहाँ पर चार्जेस लेते हैं वो सेल के अंदर की तरफ हम इसको मेजर करते हैं, ओके। तो ये पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से हो रहा है, फाइन। तो इसे कहते हैं हम रीपोलराइजेशन। तो एटलीस्ट आपको इतना मोटा मोटा ध्यान रखना है कि डीपोलराइजेशन है और रीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ सोडियम इनफ्लक्स यानी सोडियम अंदर आ रहा है, रीपोलराइजेशन इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम ई फ्लक्स यानी पोटेशियम बाहर आ रहा है, ठीक है। ये समझाने के लिए एक्चुअली जो फेज होती हैं इसमें, सबसे पहले आप इधर देखिए ये एक्चुअल डायग्राम है इसका, इसमें हमने एक्स एक्सिस है उस पर लिया है टाइमिंग इन मिली सेकेंड, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बहुत फास्ट होती है, मिली सेकेंड में होती है, तो ये मिली सेकेंड में है, 0, 1, 2, 3 से लेके 10 मिली सेकेंड्स तक हमने ले लिया है। यहाँ पर है मिली वोल्ट में एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, तो कितनी वोल्टेज है ये आपकी मिली वोल्ट में है। -70 से हमें शुरू करना पड़ेगा क्योंकि -70 क्या है इसका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन, ये डायग्राम है एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन का, ओके। तो -70 mV से जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, यहाँ से स्टिमुलस दिया तो क्या होता है, उसी टाइम पर एक स्टिमुलस एक ऐसे ही इरेगुलर पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज आता है, इरेगुलर चेंजेस इन द पोटेंशियल, वेरी मिनिमल चेंज, उसे हम कहते हैं, देखो ऐसे बनाया, इसको हम कहते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। और इसका रीज़न क्या है, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट सेम उसी टाइम आ जाता है जैसे आप स्टिमुलस देते हो, क्योंकि वैसे तो ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो नर्व के अंदर से पास होना चाहिए न्यूरॉन के, लेकिन क्या होता है जैसे आप जिस टाइम चार्ज देते हो जैसे आप चार्ज देते हो
तो यहाँ करंट लीक हो जाती है, बाहर ही बाहर इसमें यहाँ से लेके यहाँ करंट लीक हो जाती है और एक रिकॉर्डिंग छोटी सी मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। तो इसका मतलब ये उस टाइम पे हो रहा है जिस टाइम स्टिमुलस हो रहा है, जैसे स्टिमुलस दे रहे हो उसको ये प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं दैट इट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस, यानी ये उस मार्किंग को बता रहा है जिस टाइम पे आपने स्टिमुलस दिया उस पॉइंट के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये लीकेज जो करंट का हो रहा है फ्रॉम स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड, इट इज़ वेरी फास्टर। ओके, तो ये आपको ये दे देता है। उसके बाद फिर एक छोटा सा और टाइम आता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। तो सबसे पहले है आपका स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, उसके बाद आता है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हमने बोला है लेटेंट पीरियड। ये लेटेंट पीरियड किस बात पे डिपेंड करता है, लेटेंट पीरियड वो टाइम है जो कि स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से यहाँ तक इसको आने में लगेगा, तभी तो ये रिकॉर्ड कर पाएगा जब ये यहाँ पहुँचेगा इसमें स्टिमुलस, मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है। तो ये है वो टाइम। लेटेंट पीरियड क्या है, लेटेंट पीरियड इज द टाइम टेकन टू द इम्पल्स फ्रॉम द स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड टू द रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड। ओके, ये छोटा सा स्ट्रेट लाइन आता है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 मिलीसेकंड के आसपास का, बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ कंडक्शन। डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड टू रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड। मान लिया तुम इसको यहाँ पे पहले पास रिकॉर्ड कर रहे हो तो जल्दी आ जाएगा ये, छोटा हुआ है लेटेंट पीरियड। दूर रिकॉर्ड कर रहे हो, पता चला ये इतनी लंबी है, आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने लग जाओ तो ऑब्वियसली इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड और रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लेटेंट पीरियड भी ज़्यादा होगा, वो डिस्टेंस कम होगा तो लेटेंट पीरियड भी कम होगा। ओके, दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ कंडक्शन पे। अगर उस न्यूरॉन की स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी ये पहुँच जाएगा, इसका मतलब लेटेंट पीरियड कम होगा। अगर स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है वो कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो लेट पहुँचेगा। ठीक है, तो माइलिनेटेड फाइबर्स में लेटेंट पीरियड कम होता है क्योंकि इनमें स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है। दो तरह के न्यूरॉन होते हैं जिनमें, एक में माइलिन होता है बाहर, माइलिन शीत होती है, उसे माइलिनेटेड फाइबर्स कहते हैं, उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है तो उनका लेटेंट पीरियड कम होता है। दूसरे तरह के होते हैं अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स में माइलिन नहीं होता और उनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होती है। स्पीड ऑफ कंडक्शन कम होती है तो यानी कि ये धीरे धीरे पास हो पाते हैं, इसलिए इनमें लेटेंट पीरियड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लेटेंट पीरियड आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है, दूसरा ये स्पीड ऑफ कंडक्शन कितनी है। ठीक, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे पॉजिटिव उठना शुरू हुआ, आप देखेंगे इसको -70 से -55 तक ये आया है ऐसे करके, थोड़ा स्लो इंक्रीज़ हो रहा है पोटेंशियल में। इंक्रीज मैंने क्यों बोला, -70 से -50 में गया है, 55 में गया है, तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसको बोला इंक्रीज़ होना। तो पोलैरिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, -70 से -55 तक हुई है, और इस लेवल को मैं आके बोलती हूँ फायरिंग लेवल, क्योंकि इसके बाद ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता लेकिन अब ये फास्ट बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, इस लेवल के आने के बाद जो डीपोलराइजेशन है वो बहुत फास्ट हो रहा है, इस लेवल को बोला है मैंने फायरिंग लेवल। ठीक है, और ये फायरिंग लेवल जो है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका स्टिमुलस का जो थ्रेशोल्ड है, यही थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है फॉर दिस न्यूरॉन। मतलब जब तक 55 नहीं आएगा तब तक धीरे धीरे बढ़ेगा, 55 तक आ गया तो फिर स्पाइक आ जाना है। ठीक है, और फिर ये स्पाइक आना ही आना है और ये सेम ही आना है, इसकी जो फीचर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिना। मतलब अगर ये आता है तो ऐसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है अगर 55 तक आ गया, 55 को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या इसको फायरिंग लेवल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने जो ग्रॉस पढ़ी थी दो फेजेस वही होंगी, ये एब्रप्टली इंक्रीज होगा 35 तक, ये देखिए 35 तक, फिर एब्रप्टली ये डिक्रीज होगा ऑलमोस्ट जहाँ ये 55 का फायरिंग लेवल है से थोड़ा सा पहले तक या उसके आसपास तक समझ लीजिए, ये फास्ट डिक्रीज होगा। तो ये आपका है डीपोलराइजेशन फेज नंबर 3, ये आप नंबर 3 फायरिंग लेवल को ले सकते हो। नंबर 4 इज डीपोलराइजेशन फेज, ये वाला, ये किसकी वजह से हुआ था, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से, सोडियम अंदर जा रहा है इसलिए अंदर पॉजिटिविटी करता जा रहा है, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से, इसे कह रहे हैं डीपोलराइजेशन इस फेज को। इसको बोल रहे हैं रीपोलराइजेशन क्योंकि वापस जा रहा है, ये किसकी वजह से था, पोटेशियम इनफ्लक्स की वजह से। ठीक है, अब जैसे ये वापस फायरिंग लेवल के पास आता है, ये हो गई आपकी फेज नंबर 3, 4, 5।
ये जैसे ही वापस जाता है, तो अब यहाँ आने के बाद इसको एब्रप्टली अगर देखो आप, ये ऐसे डिक्रीज होना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जा रहा था ये, लेकिन अब इसका जो डिक्रीज होना है, मतलब हाँ इसको जो डिक्रीज कहना कह सकते हो, अब जो ये वापस जा रहा है अपना नेगेटिविटी में, ये रीपोलराइजेशन थोड़ा स्लो हो गया, इसीलिए इसका ग्राफ में थोड़ा ऐसे करवा गया, ये रीपोलराइजेशन थोड़ा स्लो हो गया है, और इस स्लो रीपोलराइजेशन को हम बोलते हैं आफ्टर डीपोलराइजेशन। हालांकि ये थोड़ा मिसनोमर टाइप का है, आफ्टर डीपोलराइजेशन इसलिए कह रहे हैं कि जो इधर डीपोलराइजेशन हुआ था तो जब वापस उसी जगह पर आ गए तो ये फेज आ रही है, इसलिए इसका नाम है आफ्टर डीपोलराइजेशन। ओके, अब जब ये बेस लाइन, ये देखो बेस लाइन थी -70 से हमने शुरू किया था, बेस लाइन के बाद भी ये थोड़ा सा निगेटिव में चला जाता है और वापस -70 तक आने में थोड़ा टाइम लेता है, इस फेज को हम कहते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होता है, आप बेस लाइन से भी नीचे जा रहे हो उसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, यहाँ पर इसको हमने वर्ड दिया है आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। तो 6 नंबर देखो, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, उसके बाद दो फेजेस, दोनों का नाम आफ्टर से शुरू होता है, पहला आफ्टर डीपोलराइजेशन है, फिर आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन है। ठीक है, अब आफ्टर डीपोलराइजेशन क्यों होता है और आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन क्यों होता है? आफ्टर डीपोलराइजेशन इसलिए होता है कि पोटेशियम का इफ्लक्स होता जा रहा है, अब यहाँ पे आके पोटेशियम जो है वो क्लोज होने लगते हैं, तो जो पोटेशियम की जो क्लोजिंग है वो, मतलब पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है तो यहाँ पे आके पोटेशियम जो इफ्लक्स है वो स्लो हो जाता है। इसका रीजन है कि पोटेशियम इफ्लक्स बिकम स्लो, क्योंकि ये जो पोटेशियम चैनल होते हैं वो स्लो टू ओपन होते हैं और स्लो टू क्लोज होते हैं, सोडियम चैनल फास्ट टू ओपन होते हैं, फास्ट टू क्लोज होते हैं। सोडियम चैनल यहाँ ओपन हुए थे और यहाँ पे आके वो क्लोज होने लग जाते हैं, यहाँ पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे, यहाँ पोटेशियम चैनल धीरे धीरे क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, तो ये इफ्लक्स पोटेशियम का स्लो हो जाएगा। लेकिन ये बेस लाइन पर आने के बाद भी कुछ देर तक खुले रहते हैं और उसको उसमें से पोटेशियम बाहर आता रहता है कि -70 से भी थोड़ा नीचे चला जाता है, उस फेज को हम आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं और तब जाके ये वो क्लोज होता है। तो इसका रीजन है दैट पोटेशियम चैनल्स आर स्लो टू क्लोज। ओके, इनको पोटेशियम चैनल्स को क्लोज होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये स्लो होते हैं क्लोज होने में, इसलिए इनको इसे कोजेस करते हैं आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। ओके, तो कौन कौन सी फेजेस इसमें हो गई हैं? नंबर वन हमारी जो इसमें फेजेस हैं, सबसे पहले जो होता है वो आता है स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। स्टिमुलस आर्टिफैक्ट क्यों आया है? स्टिमुलस आर्टिफैक्ट आया है ये जो आपका स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड से रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड में लीकेज ऑफ आयंस की वजह से। दूसरा आता है फायरिंग लेवल। फायरिंग लेवल इज बिकॉज ऑफ द रीचिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड है -55, तो आफ्टर दिस रीचिंग ऑफ द थ्रेशोल्ड पोजिशन द डीपोलराइजेशन स्टार्ट। दिस यू कैन से डीपोलराइजेशन बिकम्स वेरी फास्टर। ओके, सो आफ्टर दिस देर इज अ डीपोलराइजेशन फेज। ये क्यों हो रहा है? सोडियम इनफ्लक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस स्पाइक के बाद वापस आ रहा है, दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। जैसे ही वो फायरिंग लेवल के पास वापस आया तो ये रीपोलराइजेशन थोड़ा स्लो हो गया, इसको हमने बोला आफ्टर डीपोलराइजेशन। ये थोड़ा वर्ड मिसनोमर टाइप का है, आफ्टर डीपोलराइजेशन। और ये बेस लाइन से भी नीचे चला गया तो उसको हमने बोला आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। सो दीज आर दी 6 फेजेस ऑफ दी एक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इन्हीं 6 हेडिंग्स के बीच में लिखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या है। जब स्टिमुलस देते हैं तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल एक तरह का इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या इसी न्यूरॉन के अंदर या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर आगे फैलता है, स्केलेटल मसल में फैलता है। तो ये आपका मैसेज है और ये इन 6 हेडिंग्स में होता है, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, फायरिंग लेवल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, फिर आफ्टर की दो फेज हैं, आफ्टर डीपोलराइजेशन एंड आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन।